मुझे तो सारे सबूत वो मिल गए हैं जिससे ये साबित हो जाएगा चुनाव की मशीनें धोखा है, फ्रॉड है। और जो कार्यकर्ता थे ना अपोजिशन पार्टीज के, उनको पुलिस प्रशासन ने धमकाया, उनको येलो कार्ड, रेड कार्ड, पता नहीं किस किस तरह के कार्ड दिए, वोट नहीं डालने दिए। कार्यकर्ताओं को ये कहा, अगर तुम कैंपेनिंग करते मिल गए बीजेपी के खिलाफ तो तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमे दर्ज कर देंगे झूठे और तुम्हें जेल भिजवा देंगे। यहाँ पे ईवीएम के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के नाजायज हमला कराने से, लोगों को वोट ना देने रोकने से चुनाव जीता गया। पिछली दो बार का, पिछली दफा जो चुनाव हुए हैं पूरा प्रशासन का आतंक था, घरों में से नहीं, गलियों के मोड़ पे पुलिस के पूरे पूरे जत्थे खड़े हुए थे, गलियों में से डंडे मार मार के भगा रहे थे, घर की औरतों को निकाल रहे थे, कई घर की और कई औरतें पिटी हैं। जो अधिकारी हैं ध्यान से सुन ले इस बात को, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान और कानून जो तोड़ेगा वो जेल जाएगा। पिछली बार की तरह नहीं होने वाला। मैं हूँ यहाँ पे, मैं किसी भी हालत में अखिलेश जी के साथ रहने वाला हूँ, मैं किसी भी हालत में राहुल जी के साथ रहने वाला हूँ, ममता बनर्जी जी के साथ रहने वाला हूँ, स्टालिन साहब के साथ रहने वाला हूँ, शरद पवार जी के साथ रहने वाला हूँ, इन सबके साथ रहने वाला हूँ। मैं थोड़ी जाऊंगा बीजेपी में, कभी भी कोई भी जा सकता है, मैं नहीं जाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं रामपुर में हूँ, मेरे साथ जो है महमूद प्राचा है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, लेकिन इस बार जो है ये खुद लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। और सर से बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल जो हम लोग मिलक है, जो इलाका है, जो एरिया है, ये मिलक पड़ता है, तो सर से बातचीत कर ले। सर पहले चरण की वोटिंग होने वाली है 19 तारीख को, ठीक है, और जो है कल लास्ट दिन है प्रचार के लिए, तो अब तो एक दिन बच गया, तो कितना तैयारी है? देखिए तैयारी तो मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, यहाँ पे जनता ही मुझे मेरे कामों को देख के खुद इतना सपोर्ट और प्यार मिल रहा है कि अब सीधी सीधी लड़ाई मेरे और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं लोधी जी, उनके बीच में हो रही है। क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि ये लड़ाई जो है ना, ये जो वोट डलवाने वाली मशीन है जो भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है 20% वोट फालतू लेने के लिए, ताकि 400 पार करके संविधान बदल सके, और देश की जनता संविधान से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत प्यार करती है, उसको नहीं बदलने देगी। तो सबसे ज्यादा लड़ाई ये चुनाव की मशीनों की के खिलाफ। आपकी लड़ाई बीजेपी से, यहाँ पे समाजवादी पार्टी फाइट में नहीं है? नहीं, अब नहीं रही, शुरू शुरू में थी, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस वजह से जीतने का दावा कर रही है, 400 पार का दावा क्यों कर रही थी। तो जनता ने यहाँ की और देश भर की और उत्तर प्रदेश की भी ये देख लिया कि जो चुनाव की मशीनें हैं उनको रोकने के लिए सबसे आगे कौन खड़ा है, 20% भारतीय जनता पार्टी के झूठे वोटों को रोकने के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है, तो वो मैं नज़र आ रहा हूँ सबको। और उसके खिलाफ, चुनाव की मशीनों के खिलाफ सबूत कौन इकट्ठे कर रहा है, कौन इकट्ठे करके एक मजबूत केस डालने की तैयारी कर रहा है, वो भी मुझे ही पा रही है जनता। तो आपको अब कुछ मिल रहा है, आपको कुछ सबूत मिल? आज मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, मुझे तो सारे सबूत वो मिल गए हैं जिससे ये साबित हो जाएगा ये चुनाव की मशीनें धोखा है, फ्रॉड है, और इसको ये इलेक्शन आप चुनाव लड़ने हैं, सनसनी फैलाने आए हैं? नहीं, सनसनी तो जो चुनाव आयोग है वो फैला रहा है, मैं सनसनी चोरी और जो भारत की जनता के साथ जो लूट हो रही है वोटों की, वो एक्सपोज करने आया हूँ। अब इससे सनसनी फैलती है, कुछ भी फैलती है, ये आप दुनिया जाने। सबसे पहले मैंने ये कहा था, आज की लिए देखिए, अभी मेरी आप गाड़ी में चलिए, मैं यहाँ पे अपनी कैंपेनिंग भी कर रहा था थोड़ी बहुत, जो लोगों से मिलने आ रहा था, और साथ के साथ यहाँ दो केस चल रहे हैं गाड़ी में, अभी आपने देखा होगा, एक केस सुप्रीम कोर्ट में जो मेरे कोलीग्स वहाँ बहस कर रहे हैं, और मैं यहाँ से ऑनलाइन बहस कर रहा था, लेकिन उसका नंबर ही नहीं पहुँचा। मैंने आज ही सुबह ये ट्वीट किया था कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है ये सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन आज सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हम लोग ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कितना दबाव है इस वक्त, इसीलिए देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। पूर्व जजों ने फिर चिट्ठी लिखी है कि दबाव बनाया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देखें? उसी वही कमेटी, अभी वकील चिट्ठी, वही कमेटी के लोग तो ये तय किए थे कि मैं रामपुर से चुनाव लड़ूं, क्योंकि यहाँ पे ईवीएम के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के नाजायज हमला कराने से, लोगों को वोट ना देने रोकने से चुनाव जीता गया है पिछली दो बार का। आपकी जो आशंका है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है, जो बीजेपी को वोट देना पसंद नहीं करते, जो उसके खिलाफ वोटर है उसको वोट नहीं डालने, जैसे कल यही बात जो है समाजवादी पार्टी जो कैंडिडेट है मुजफ्फरनगर, उन्होंने कहा कि भाई आप वोट डाल देना, गिनवाने की जिम्मेदारी हमारी, हम गिनती करा देंगे, आप जो है गिनवा, तो यही बात आप लगातार कह रहे कि भाई वोटों की गिनती गड़बड़ी, इसी को लेकर सारे लोग जो है असमंजस की। मुझे ये कहने में कोई, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स है ना, किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, मेरा ट्विटर हैंडल फॉलो करें, जो वोट गिनवा देंगे उसके लिए मशीनें तो ठीक होनी चाहिए, मशीनों में कितनी गड़बड़ी और धांधली है वो मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। आज से पहले किसी के हाथ में मशीनें आई थी क्या? चुनाव आयोग ने किसी के हाथ में मशीनें दी हैं? पहली बार की मेरे हाथ में आई है, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ,
या कैंडिडेट के हाथ में ही आ सकती है, इसीलिए मैंने कैंडिडेचर बढ़ा। तो मैं ये सभी कैंडिडेट से कह रहा हूँ और